के चुनाव पर नजर डालें तो यहां पर लक्ष्मण कश्यप 11,770 वोटों से रह गए थे दीपक बैच से, लेकिन ये अंतर ज्यादा नहीं था और कहा जा रहा है उसकी हार के बाद उन्होंने सबक सीखा और जनता के कई मुद्दों को लेकर उन्होंने आवाज उठाई और जनता के बीच वो पहुंचे, जिसकी वजह से बीजेपी ने उन्हें फिर से उनके ऊपर दाव लगाया, उन्हें फिर से मौका दिया है कि उनकी छवि जनता के बीच इन कुछ सालों में अच्छी रही है और उन्होंने अच्छी छवि बनाई है। आशुतोष, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो बीजेपी दाव खेले हैं लक्ष्मणराम कश्यप के ऊपर, हालांकि पिछले विधानसभा 2018 में उनको टिकट नहीं दिया गया था, उनके जगह पे बैजूराम कश्यप को मौका दिया गया था, लेकिन वो भी लगभग 17,000 वोटों के अंतर से यहाँ पर कांग्रेस से हार चुके थे। लेकिन अगर बात किया जाए लक्ष्मणराम कश्यप को मौका दिया गया तो बिल्कुल अपना जो जन आधार है वो बनाने में लक्ष्मणराम कश्यप काफी सफल रहे हैं, जनता की बातों को पहुंचाने में काफी सफल रहे हैं, जनता के हक में काम करने में काफी सफल रहे हैं। लेकिन वही कांग्रेस की बात की जाए अगर तो कांग्रेस के जो राजमन बेंजाम है वो पहली बार इस मैदान में उतरे हैं और कहीं ना कहीं सत्ता के ऊपर सत्ता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से दंतेवाड़ा का जो रिजल्ट निकलकर सामने आया था तो दोनों ही जो प्रत्याशी थे बीजेपी और कांग्रेस के वो वहां पर उनको जो लगातार कहा जा रहा था कि जो वोट मिलेगा वो कहीं ना कहीं दोनों ही परिवार की शहादत वहां पर देखी गई थी और कहीं ना कहीं सांत्वना वोट मिलने का भी लगातार बात किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो कांग्रेस के पक्ष में यह फैसला किया जनता ने, और वही बात यहाँ भी देखने वाली होगी कि जनता किसको आशीर्वाद देकर और अपना जो विधायक चुनती है, क्योंकि विकास सबसे बड़ा मुद्दा होता है यहाँ पर बस्तर में। अंदरूनी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो अंदरूनी क्षेत्र तक विकास नहीं पहुंच पाती है और छोटे छोटे जो मुद्दे हैं वो जो ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती है, जो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाती है, बड़े मुद्दों पर ही काम किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि किसको आशीर्वाद देकर यहाँ पर जनता ने अपना विधायक चुना है, अपने विकास के लिए चुना है, क्योंकि जो मुद्दे हैं आप देख सकते थे कि जिस तरीके से जिस दिन मतदान हो रहे थे वो नदी पार करके छोटे से डोंगे में जो लकड़ी का डोंगा बना हुआ था उसमें अपने जान को हथेली में रख के अपना मतदान करने के लिए आना बहुत बड़ी बात होती है, और किस तरीके से उत्साह था लोगों में, ग्रामीणों में किस तरीके से उत्साह था, वो अपने लिए विधायक चुनने के लिए पहुंच रहे थे ताकि उनके गांव में विकास हो सके। विकास नहीं है, पुल नहीं है, नदी पार जो ग्रामीण है वो आ नहीं पाते हैं, दवाइयां नहीं मिल पाती है, गाँव में स्कूल नहीं है, कई छोटे छोटे जो मुद्दे हैं वो ग्रामीणों को परेशान करते हैं और इसीलिए वो अपना वोट देने कीमती वोट देने के लिए नदी पार करके आते हैं, लगभग 40 किलोमीटर पैदल चल के वोट करने आए थे, बस इसी उम्मीद में आए थे कि उनके गांव में विकास हो सके। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अगर कांग्रेस वहां पर आती है तो क्या ग्रामीणों के उम्मीदों पर खरे उतरेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल आशुतोष, हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी चित्रकूट से राजमन बेंजाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजमन जी, जिस तरीके से जो काउंटिंग शुरू हो गई है, जाहिर सी बात है दिल की धड़कन भी तेज हो गई होगी, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने काम किया है, जनता से जमीन से जुड़कर जो काम किया है, उसका नतीजा आपकी पाली में आएगा या फिर बीजेपी के पाली में जाएगा? माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार ने जो 10 महीने में जो काम किया है हमारे आदिवासियों के लिए, वो उससे हमारे गांव के मतदाता बहुत उत्साहित है और हम निश्चित रूप से ये चुनाव जीतेंगे। माननीय भूपेश बघेल जी के कुशल मार्गदर्शन और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष के कुशल नेतृत्व में हम ये चुनाव भारी बहुमतों से जीतेंगे। वेंजाम जी, जिस तरीके से जगदलपुर के ग्रामीण आप कांग्रेस अध्यक्ष हैं, जिस तरीके से कांग्रेस ने आपको मैदान में उतारा है, आपको क्या लगता है क्या खूबी देखकर मैदान में उतारा होगा? हमने जो ग्रामीण अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने जो बूथ स्तर पे संगठन का कार्य किया है, इसका हमें बहुत फायदा मिलेगी और हमारे बूथ स्तर से जो हमारे जी जी बेंजाम जी जी बेंजाम जी निवेदन है कि आप थोड़ा सा नेटवर्क की एरिया में आकर बात कीजिएगा,
हम दर्शकों तक आपकी आवाज नहीं पहुंचा पा रहे हैं, निवेदन है कि आप नेटवर्क में आकर बात कीजिएगा। राजमन जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, राजमन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, संपर्क टूट गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरह से चित्रकूट की अगर बात करें तो वहां पर हमारे संवाददाता मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार हमें वहां भी मतगणना की अपडेट्स दे रहे हैं। आशुतोष, जिस तरीके से बात की जाए, यहां पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन कांग्रेस के पास यहां पर बुनाने के लिए कई मुद्दे थे, तो क्या वो कई मुद्दे इस उपचुनाव में कारगर साबित होंगे, या फिर जो अंतर है वोटिंग का, कहा जा रहा है कि लक्ष्मीराम बहुत ज्यादा अंतर से हार सकते हैं, तो क्या वाकई इसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि आपने वहां पर रिपोर्टिंग की है, जनता के रुझान को समझा होगा? देखिए, जो जनता का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं विकास की तरफ है, वो सिर्फ विकास चाहते हैं, क्योंकि जो पंचायत भी है, जो पंचायत जो चित्रकूट विधानसभा में आते हैं, वो कई पंचायत ऐसे हैं कि वहाँ विधायक वहाँ जो विकास नहीं पहुंच पाती है, और इसके कारण वो जो पंचायत अलग अलग चाहते हैं, ताकि छोटा पंचायत होने के कारण उनका विकास पहुंच सके। मुद्दे की बात की जाए तो कांग्रेस के पास जो 10 महीने का जो शासनकाल हुआ है, उसमें जिस तरीके से काम हुए हैं, ग्रामीणों के पक्ष में कर्ज माफी ले लें या फिर जमीन वापसी, टाटा की जो स्टील प्लांट जो लगने थे लोहंडीगुड़ा में, वो जमीन वापसी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा रहा है चित्रकूट विधानसभा के लिए, जिसके कारण कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है। अगर वही बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने भी 15 साल में काफी काम किए हैं, लेकिन चित्रकूट विधानसभा में बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी जीतता नजर नहीं आया था। 2013 के बाद कांग्रेस ने वहां पर लगातार शासन किया और चित्रकूट विधानसभा कांग्रेस के पक्ष में ही था, तो ये बिल्कुल देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जो दंतेवाड़ा के रिजल्ट जो आए थे, जो क्योंकि वहां पर बीजेपी ने अपना एक सीट बचा के रखा था, और जिस तरीके से जो वहां के विधायक की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी, उसके बाद से जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस ने बाजी मार ली, क्योंकि सत्ता का प्रभाव यहाँ पर बिल्कुल पड़ा है। और यही बात देखने के लिए होगा यहाँ पर चित्रकूट विधानसभा कि जनता ने किसको आशीर्वाद दिया। मुद्दे तो काफी हैं यहाँ पर, और लगातार विकास की अगर बात की जाए तो विकास तो होती है, लेकिन अंदरूनी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती है। लगातार जो विधायक है, जो जनप्रतिनिधि है, वो दावा करते हैं कि हम विकास करेंगे, चुनाव आते हैं तो लगातार दावे किए जाते हैं कि हम आपके गाँव में रोड बनाएंगे, पानी की समस्या को दूर करेंगे, और लेकिन ये जनता इस बार कितना किसकी बात पे यकीन करती है या किसके वादे को स्वीकारती है, और उसके बाद जो जीत का ताज वो किसके सर पर होता है, ये तो शाम तक क्लियर हो जाएगा। आशुतोष, वहां पे पल पल की जो मतगणना के अपडेट्स वो हमें देते रहेगा, नजर बनाए रखेगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे साथ भोपाल से प्रमोद लगातार जुड़े हुए लाइव।